क्या सोचा तुमने? मैं इस बारे में सोचना नहीं चाहता। तुम क्या चाहते हो अमर? वो लोग हाथ जोड़कर घुटनों के बल तुम्हारे घर तक आए अमर, वो तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बुलशिट, मेरे घर मेरी माँ आई थी, बाप नहीं। समझने की कोशिश करो अमर, वो दोनों 60 साल के हो चुके हैं। कहीं समझौते में तुम इतनी देर ना लगा दो कि वो लोग रहे ही नहीं। एक दिन जूनियर अमर जब तुम्हारी बेइज्जती करेगा तो जूनियर अमर नहीं होगा। ठीक है, अंटी बंटी शंटी जो भी उसका नाम होगा, एक दिन अपनी पहचान बनाने के लिए वो तुमसे रूठ के चला जाएगा। और मुझे कभी रूठेगा नहीं। ये तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैं उसको इतना प्यार करूंगा। जिस तरह तुम अपने बेटे को प्यार करोगे, उसी तरह तुम्हारे डैडी भी तुम्हें प्यार करते हैं अमर। शायद उनके प्यार करने का तरीका अलग है। हो सकता है कल को तुम्हारे बेटे को तुम्हारे प्यार करने का तरीका पसंद आए। रावत खानदान में घमंड ठूस ठूस कर भरा हुआ है। अपने ही लोगों को तुम प्रतियोगी समझते हो, एक दूसरे के प्यार करने के तरीके को समझते ही नहीं और उसे नफरत का नाम दे देते हो। अगर वही नफरत तुम्हारी तरफ ना होती तो मान भी जाता, लेकिन अब कुछ चांस नहीं। पर मैं माँ से क्या कहूंगी, मैं उन्हें वचन दे चुकी हूँ। किसे पूछ के दिया था वचन तुमने? मेरी समझ में नहीं आता मैंने तुम जैसे अड़िया से कैसे शादी की। मैंने तुम्हें शादी से पहले कह दिया था कि मेरे खानदानी मामलों में कोई दखलंदाजी नहीं। अब ये मेरा भी खानदान है। तुमने किससे पूछ के वादा किया? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, उससे तुम्हें कोई हक नहीं मिलता कि तुम हक अमर। मैं इस बारे में और कुछ नहीं कहना चाहता। क्या है तुम्हारा हुक्म है? जो भी तुम समझो। गो टू हेल। गॉड डैम इट, कम से कम हम उन्हें फोन करके तो बता दे कि हम नहीं आ रहे। देखो अमर, मैंने जिंदगी में शायद कभी झूठ भी बोला होगा, कभी कोई गलती भी की होगी, लेकिन जानबूझकर किसी का दिल नहीं दुखाया और ना ही दुखाऊंगी। जो तुम करना चाहो करो। उनका नंबर क्या है अमर? उन्हें नोट लिखकर भेज दो। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो अमर, उनका नंबर क्या है? टेलीफोन बुक में है। हेलो 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 सर, मैं लेखा। ओ ओ हेलो, ना कहना जरूरी है अमर। आई एम सॉरी सर, हमें माफ कर देना सर। एक्चुअली अमर के इम्तिहान सर पर है, इसलिए हम लोग नहीं आ सकेंगे। ठीक है, दैट्स ओके। अमर वे बहुत दुखी लग रहे हैं, क्या तुम वहीं बैठकर उनके जले पे नमक छिड़कते रहोगे? तुम बेरहम हो। हेलो। हाँ जी सर, फोन की लाइन में कुछ खराबी आ गई थी। और एक खास बात मैं आपसे कहना चाह रही थी। अमर आपको बहुत याद करता है सर, वो आपसे बहुत प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि आपको पता लगे कि वो आपसे कितना प्यार करता है। उसके प्यार करने का तरीका बहुत हो गया लेखा। इनफ इज़ इनफ, स्टॉप इट एंड गेट आउट ऑफ माय लाइफ।